ऐसा? हाँ, तो आपको क्या लग रहा है कि मतलब कितने बच्चे निकल पाएंगे अगर ऐसा ही पेपर है तो? आपके जहाँ पर आप बैठे थे जिस रूम में, तो वहाँ पे सबसे फास्ट और सबसे लास्ट कितना गया? उसका पता नहीं चला उसका, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ज़्यादा नहीं जाएगा, 70 के अंदर ही रहेगा। आपका कितना रहा रिजल्ट? मेरा काम है सर बहुत कम है, 67 जी। यानी अभी एक जो उनसे बात हुई तो वो 68 बता रहे हैं, आपका 67 बता रहे हैं। मतलब अभी तक मैं भी लगभग जितने दिनों से कर रहा हूँ यहाँ पर, मैं रिव्यू जो ले रहा हूँ यहाँ का, देखने को मिल रहा है यही कि मतलब बहुत कम ही जा रहा है 67-68 के अंदर। सवाल ऐसे वो उलझा रहा है सवालों में, ऐसे गलती सवाल दे दिया उसका आंसर मिल ही नहीं रहा है। लेकिन 12 लाख अगर लोगों का पेपर लिया जा रहा है तो ये भी तो होगा कि कम से कम ही बच्चे सिलेक्शन हो, ऐसा कुछ पेपर कारण वही है, उसका कारण वही है उलझाने का। अच्छा अच्छा जी। सर रीजनिंग कैसा रहा? रीजनिंग अच्छा था। चलो ये नमस्कार, आप देख रहे हैं तरंगड़ी 4 न्यूज़। मैं रवि कुमार पांडे आप लोगों को एक फिर से आज जो है रिव्यू, जो रिज़ल्ट आज का पुलिस का जो रिज़ल्ट आ रहा है, कैसा आ रहा है, कैसा पेपर आ रहा है, सारी चीज़ें लेकर फिर से सामने आया हूं। और आज 16 जनवरी का पेपर कैसा गया वो हम आप लोगों को अपडेट करवाएंगे, क्योंकि आप लोगों को हम बता दें कि इतने सारे लोग आज फिर से कई हज़ारों किलोमीटर दूर से यहाँ पर आते हैं, तो उनसे ये तो जानकारी बनती कि कैसा उनका एग्ज़ाम जा रहा है, कैसा उनका पेपर जा रहा है, ये जानकारी लेते हैं। भैया हो गया आपका पेपर? नहीं। अच्छा, तो यहाँ पर जो चीज़ें देखने को मिल पा रही हैं फिलहाल, अभी आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि जो अपडेट सबसे बड़ी चीज़ ये है कि यहाँ पर लॉकडाउन में जिसका फर्स्ट डोज या सेकेंड डोज जिसको लगा नहीं है, उसका रिजर्वेशन तक नहीं हो पा रहा, तो दिक्कत इस बात की हो रही है कि लड़के बहुत कम पहुँच पा रहे हैं। जैसे आप लोगों को बताना चाहूँगा कि 60% जो है ही मात्र बच्चे आ रहे हैं, 40% जो यहाँ पर परीक्षार्थी जो हैं वो मौजूद नहीं हो पा रहे, क्योंकि यहाँ पर कोरोना गाइडलाइंस को लेकर के जब जिसके पास अगर वैक्सीन जिसको दोनों डोज नहीं लगी उसको दिक्कतें आ रही, उसकी वजह से पेपर नहीं दे पा रहे हैं। वहीं आप लोगों को हम अपडेट करवाएंगे, क्या एग्ज़ाम देने आए थे भैया? कैसा गया? बढ़िया था। क्या नाम है आपका? इधर आ जाइए थोड़ी। क्या नाम है आपका? हिमांशु उपाध्याय। कहाँ से आया? प्रयागराज से। कितना रिजल्ट आया आपका? 57 ही था। रीजनिंग कैसा था? ठीक ही थी, रीजनिंग भी ठीक। इस बार का कैसे 57, मतलब कितने महीने तक आपने तैयारी किया? अरे तैयारी ठीक थी, आज का एग्ज़ाम टफ था थोड़ा, मैं थोड़ा वो टफ आया था इसीलिए दिए हैं, सभी दिए हैं। और साइंस कैसा था? हमारे क्लास में हाईएस्ट था 68 आज का। हाँ आज का 68 ही गया है। तो ये बताइए मैथ कैसा रहा? मैथ सही था। साइंस कैसा रहा? साइंस आज शायद आज कम आई, साइंस नहीं आई थी। अच्छा। हाँ, और जीएस का जैसे लोग नृत्य गरबा कहाँ का है गुजरात के जैसे ऐसे ही आया था। हाँ जी, क्या नाम सर आपका? राजेश ठाकुर। कहाँ से? हम सिवनी से हैं। सिवनी से आए हैं। तो क्वेश्चन बहुत गलत हो रहे हैं, मतलब गलत क्वेश्चन है टाइम मैनेजर नहीं हो, आंसर भी गलत आ रहा है उसमें, कहीं आंसर है ही नहीं जो आंसर है रियल, तो वो निकल नहीं रहे हैं ऐसा। ऐसा? हाँ। तो आपको क्या लग रहा है कि मतलब कितने बच्चे निकल पाएंगे अगर ऐसा ही पेपर है तो? आपके जहाँ पर आप बैठे थे जिस रूम में, तो वहाँ पे सबसे फास्ट और सबसे लास्ट कितना गया? उसका पता नहीं चला उसका, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ज़्यादा नहीं जाएगा, 70 के अंदर ही रहेगा। आपका कितना रहा रिजल्ट? मेरा काम है सर बहुत कम है, 67 जी। यानी अभी एक जो उनसे बात हुई तो वो 68 बता रहे हैं, आपका 67 बता रहे हैं। मतलब अभी तक मैं भी लगभग जितने दिनों से कर रहा हूँ यहाँ पर, मैं रिव्यू जो ले रहा हूँ यहाँ का, देखने को मिल रहा है यही कि मतलब बहुत कम ही जा रहा है 67-68 के अंदर। सवाल ऐसे वो उलझा रहा है सवालों में, और ऐसे गलती सवाल दे दिया उसका आंसर मिल ही नहीं रहा है। लेकिन 12 लाख अगर लोगों का पेपर लिया जा रहा है तो ये भी तो होगा कि कम से कम ही बच्चे सिलेक्शन हो, ऐसा कुछ कारण वही है, उसका कारण वही है उलझाने का। अच्छा अच्छा जी। सर रीजनिंग कैसा रहा? रीजनिंग अच्छा था। अच्छा था। बहुत मैथ्स? मैथ्स में वही बताया ना, तो आंसर नहीं मिल रहे हैं। हाँ। आपका? सर यही। क्या नाम है आपका? रमेश प्रसाद यादव सर। कहाँ से हैं आप? हम हैं सरई से सर, सिंगरौली। सरई से आए हैं आप? आज तो नज़दीक से ही हैं जी सर। तो कैसा रहा पेपर आपका? पेपर अच्छा था सर, थोड़ा रीजनिंग में थोड़ा समस्या आ गई। अच्छा, कितने महीनों तक आपने तैयारी की? मैं सर 2020 से कर रहा था तैयारी। 2020 से? तो अभी कितना आज आया आपका रिजल्ट? सर मेरा 45 आया है। 45 आया, मतलब 2020 से अभी तक आप तैयारी कर रहे हैं तो सिर्फ इतना ही आया? जी सर। तो क्या लगता है आपको कि ऐसा क्यों, क्या तैयारी में कमी रह गई थी आपकी? नहीं सर, तैयारी में थोड़ा कमी रह गई थी। क्या कोचिंग वगैरह किया था? नहीं किए थे सर। कोचिंग नहीं? नहीं नहीं नहीं, कोचिंग नहीं। सिर्फ ऐसे ही घर में बैठ के आपने तैयारी? जी सर, मैंने तैयारी किया। अच्छा अच्छा। आपका सर?
सर सुरेश कुमार मोहनकार हूँ सर मैं। अच्छा, कहाँ से आया सर आप? सर मैं शिवनी डिस्ट्रिक्ट से आया हूँ। अच्छा, कैसा रहा पेपर आपका? सर पेपर बहुत अच्छा रहा जी सर। तो रिजल्ट सर कितना है आपका? मेरा 72 है सर। 72 जी सर। ये आज आपका देखने को मिल रहा है कि 72 मतलब काफ़ी गया है आपका रैंक जो देखा। मेरे लैब में भी मैं टॉपर था। अच्छा। मैंने पूरा सब चेक किया तो 72 क्वेश्चन किसी के भी नहीं, 50 से ऊपर भी एक दो हैं बस। अच्छा, तो क्या लगता है आपको, मतलब जो 72 आपका आया है इससे ज़्यादा भी क्या आपके वहाँ पर किसी का आ सकता है या आज का रैंक ही लगभग इतना ही रह जाएगा? मुझे लगता है सर ज़्यादा स्कोर तो नहीं हो पाया है पेपर के अकॉर्डिंग, है ना, क्योंकि मेरे हॉल में आउट ऑफ 50 भी बहुत कम लोग थे। तो मैं बता रहा हूँ कि देखते हैं कैसा क्या है। तो सर मैथ कैसा रहा इसमें? सर मैथ तो इजी थी, रीजनिंग में जो असमानता है ना वो आ रहे हैं जो, और बहुत सारी चीज़ें, कुछ क्वेश्चन मिसप्रिंट भी हो रहे हैं, कुछ गलत क्वेश्चन भी आ रहे हैं उसमें। तो अब देखते हैं उसमें नॉर्मलाइजेशन में शायद वो बड़े होंगे या फिर आंसर की जब आएगी तो वो डिलीट होंगे वो क्वेश्चन। जैसे भाई के द्वारा बताया गया कि जो है मैथ काफ़ी टफ आ रहा है, उसके तो आंसर ही नहीं मिल पा रहे हैं, तो क्या ये सही कह रहे थे? आप तो कह रहे हैं काफ़ी ईजी रहा। नहीं सर, मैथ्स ईजी है लेकिन वो आंसर इसलिए नहीं मिल पा रहे हैं, कुछ के जो है मतलब कुछ क्वेश्चन गलत हैं उसमें। अच्छा, है ना, और कुछ में मिसप्रिंट है, इस कारण से वो आंसर नहीं मिल पा रहे हैं उनको। जी जी। तो सर क्या लगता है आपको, क्या मतलब आज का रैंक जो रिजल्ट आया है कितने से उठाएगा लगभग? अब सर मेरे हॉल में तो मैंने देखा जहाँ तक हो तो 60 से ऊपर भी कोई नहीं था, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं मेरे हॉल की बात कर रहा हूँ, लैब नंबर 3 मेरी लैब थी वो। थैंक यू सर। थैंक यू। देखने को मिल रहा है कि 68% बता रहे हैं और दूसरे पर्सन जो आप लोगों के सामने अभी आए थे अब वो बता रहे हैं कि 72 है, यानी कि आज जो है दो तीन दिनों का जो ये रिव्यू आप लोगों को देखने को मिल पा रहा है 72 ज़्यादा से ज़्यादा देखने को मिल पा रहा है, क्योंकि अभी तीन दिन से इससे ज़्यादा यानी 68 से ज़्यादा देखने को नहीं मिला था, ये आज जो देखने को मिल रहा है बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है कि कहीं ना कहीं उठा। क्या नाम सर आपका? विपुल त्रिपाठी। देने आए हैं कि हो चुका? अभी हम पेपर देने आए हैं। कहाँ से आए आप? हम लोग आए हैं उमरिया से। उमरिया से। हाँ, तो कैसी तैयारी करके आप आए हैं, क्या लगता है आप कितना ला सकते हैं अभी? तैयारी जिस हिसाब से है तो अब पेपर देने के बाद ही पता चलेगा कितने मार्क्स आते हैं, क्योंकि बताया जा रहा है कि पेपर काफ़ी टफ है। हाँ। आपको क्या लगता है कि कितना कर पाएंगे लगभग? अब वो तो पेपर होने के बाद ही पता चलेगा कौन सा किस टाइप। कितने सालों की तैयारी है आपकी? 3 साल से तैयारी कर रहे हैं। 3 साल से कर रहे हैं सर आप? मेरा तो 1 साल से तैयारी चल रहा है। 1 साल से तैयारी चल रही है। तो अभी आप कहाँ से आए? उमरिया जिले से। अच्छा, दोनों आप उमरिया जिले से। जो आप लोगों को अपडेट देखने को मिल रही है वो यही है कि आज का पेपर काफ़ी टफ गया, कुछ पर्सन बता रहे हैं, कुछ पर्सन ऐसे कह रहे हैं कि काफ़ी जो है तो इजी था, मैथ इजी बता रहे हैं, लेकिन मिसप्रिंट की वजह से दिक्कतें आ रही हैं कि एग्ज़ाम में कि लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि सवाल क्या है, सवाल भी कह रहे हैं कि कुछ सवाल ऐसे हैं जो कि गलत है। आखिर में जो चीज़ें अगर गलत तरीके से दी जा रही हैं उसको बच्चे कैसे सॉल्व करेंगे, जो परीक्षार्थी यहाँ पर मौजूद हो रहे हैं कैसे उसको देख पाएँ ढंग से कि वो एग्ज़ाम दे पाएँ, इन सब चीज़ों पर भी कहीं ना कहीं सरकार को देखने की ज़रूरत है। लेकिन आज का जो रिजल्ट देखने को मिल रहा है ये 72 है। अगले शिफ्ट की अगर बात करें तो वो फिर से एक रिव्यू आप लोगों को देखने को मिलेगा जिससे पता चल पाएगा कि कितना रिजल्ट अगले शिफ्ट का रहा। धन्यवाद, बने रहे तरंग 24 न्यूज के साथ ऐसी खास खबरों के साथ। नमस्कार, जय हिंद। 72 मतलब आज